क्या मायावती के भतीजे आकाश आनंद बीजेपी को जूते चप्पल से मारेंगे? क्या बीजेपी को लोगों के बीच जाने से आकाश आनंद रोकेंगे? क्या आकाश आनंद हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अब आकाश आनंद बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकसभा चुनाव के लिए इस वक्त मायावती के भतीजे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि उनकी जुबान से ऐसा कुछ निकल जाएगा जो उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। दरअसल सीतापुर में आयोजित जनसभा में आकाश आनंद बीजेपी को लेकर गलत बयानबाजी कर गए और बुरी तरीके से फंस गए। इसके बाद प्रशासन ने आकाश आनंद समेत 35 लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। खबर के मुताबिक राजा कॉलेज मैदान में बसपा को रैली की अनुमति दी गई थी। इसमें आकाश आनंद प्रमुख वक्ता थे। आकाश आनंद ने अपने वक्तव्य में एक विशेष राजनीतिक दल यानी बीजेपी को लेकर गंभीर टिप्पणी की, जिससे हिंसा फैल सकती थी। इस रैली में आकाश आनंद ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद आकाश आनंद के साथ साथ 35 लोगों पर भड़काऊ और हिंसक भाषण, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने को लेकर आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया। आकाश आनंद और सभी 35 लोगों पर धारा 171C, 153B, 188, 505(2) और धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल बीते रविवार को सीतापुर जिले के राजा रघुबर दयाल इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित बसपा की जनसभा में आकाश आनंद ने बीजेपी की यूपी और केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीयत नहीं है, बीजेपी की इच्छा नहीं है कि आप कभी रोजगार पाओ। ऐसी सरकार जो कभी रोजगार नहीं देती, पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार का कोई हक नहीं कि वो आपके बीच पहुंचे। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो वोट की जगह जूता और चप्पल मारने का काम करिए। आकाश आनंद ने आगे कहा कि सरकार की मंशा रोजगार देने की कभी नहीं रही, पेपर लीक होने के बहाने यह रोजगार नहीं देना चाहते। उन्होंने आगे कहा कि आज देश में मुफ्त राशन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, ये नौकरी मिलती तो कम से कम 2.5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार का युवा जरूर नौकरी के जरिए घर लाता, लेकिन सरकार सिर्फ साल में अधिकतम 12,000 रुपए का राशन थमा रही है। इससे जनता की प्रगति नहीं होने वाली, हमें बहुजन समाज की प्रगति चाहिए, इसलिए बिना नौकरी बहुजन समाज या सर्व समाज का भला नहीं होने वाला। फिलहाल इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर आकाश आनंद ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और सीधा तीखा हमला बीजेपी पर बोल रहे हैं। आकाश आनंद की नगीना में सबसे पहली रैली हुई थी। 7 अप्रैल को खुर्जा और बुलंदशहर में आकाश की 2 रैलियां थी। 8 अप्रैल को बरेली में आकाश आनंद ने रैली की थी। 11 अप्रैल को मथुरा और आगरा की सभाओं में आकाश आनंद दिखे। इसके बाद आकाश आनंद 12 अप्रैल को दक्षिण भारत के दौरे पर रहे। 13 अप्रैल को अलीगढ़ और हाथरस, 17 अप्रैल को सहारनपुर में सभा की। फिर 27 अप्रैल को आकाश आनंद सीतापुर पहुंचे, जहां आकाश आनंद ने बीजेपी को जूते चप्पल से मारने की बात कह डाली। खैर, बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनावी मैदान में अलग ही तेवर और कलेवर के साथ उतरी है। पार्टी ने सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियां की हैं और आगे भी करेगी। साथ ही अब पार्टी के युवा चेहरे और पार्टी सुप्रीमो मायावती के घोषित उत्तराधिकारी आकाश आनंद लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं, लेकिन आकाश की जुबान से बीजेपी के लिए आग निकल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आकाश आनंद इस आग में खुद को ही भस्म कर लेना चाहते हैं, क्योंकि आकाश आनंद इस बार बीएसपी की ओर से लोकसभा चुनाव की कमान संभाले हुए हैं और अगर ऐसे ही चुनावी रैली में उनकी जुबान से आग निकलती रही तो आकाश आनंद बीएसपी के लिए मुसीबत तो खड़ी कर ही सकते हैं, खुद के लिए भी वो मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, जो बीएसपी और आकाश आनंद के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।